हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पर बात करेंगे जो ईसे स्टूडेंट ड्रेसडन का आज से यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है, ग्रुप ए के बीच मैच हो चुके हैं, ग्रुप बी के बीच मैच होंगे। तो ये वाला ग्रुप आज स्टार्ट होगा और आज का जो पहला मैच होगा ना, जो खेला जाएगा यूएसजी चैमनीज वर्सेस पुचेज बर्लिन लाइंस के बीच में। ये मैच आपके लिए लॉस रिकवरिंग होने वाला है अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए हर एक प्लेयर का स्टैट्स लेकर आया हूँ, ताकि अगर कोई भी खेलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पूरा अच्छे से देखना है। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब देखो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना क्यों है, क्योंकि आपको पता है इनका स्क्वाड है, एक टीम का है 25 या 27 प्लेयर का, दूसरी का है 21 प्लेयर का, लेकिन इनमें से खेलने वाले सिर्फ 22 प्लेयर। तो जब आफ्टर टॉस अपन को 22 प्लेयर पता चल जाएंगे तो उसके बाद में फाइनल टीम देना आसान रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी बात, बैटिंग ऑर्डर जो इनका आएगा ऑफिशियल, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इसीलिए आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये वाली सीरीज खेल रहे हो तो। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बात कर लेते हैं यहाँ पर मैच के बारे में। तो ये मैच 12 बजे स्टार्ट होगा दोपहर में, रग्बी क्रिकेट ड्रेसडन पे ही खेला जाएगा। आर्टिफिशियल विकेट है तो बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं होगा। एवरेज स्कोर 90 से 100 बनता है। अब तक यहाँ पर 20 मैचेस हो चुके हैं ग्रुप ए के, जिसमें 8 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 10 मैचेस 2 मैच नो रिजल्ट। मतलब यहाँ पर टॉस का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। अब देखो पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर यूएसजीएसएसजीसी की टीम की। तो इनकी टीम की तरफ से ओपन करने चाहिए अब्दुल स्टनक जाई और गोपीनाथ मनोहरन। अब्दुल स्टेनक जाई की बात करूँ, राइट हैंड बैटिंग करता है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करवाता है। इसने T10 के अंदर 19 मैच में 336 रन किए, 18 के एवरेज से, और 3-2 विकेट भी इसके नाम है 9 ओवर डाल के। मतलब बॉलिंग तो पार्ट टाइम करवाता है लेकिन बैटिंग अच्छी खासी करता है। और 2022 का अगर आप इसका क्लब T20 का रिकॉर्ड देखोगे तो 10 मैच में 323 रन, 46 का एवरेज, 10 विकेट है 19 ओवर डाल के। काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है और मस्ट पिक होना चाहिए आपके लिए। गोपीनाथ मनोहरन विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेगा और विकेट कीपिंग ही करेगा मेरे हिसाब से। 19 T10 में 208 रन है, लेकिन अगर आप 2022 T20 का रिकॉर्ड देखो, 13 मैच में 439 रन, 43 का एवरेज, बहुत शानदार रिकॉर्ड है और विकेट कीपिंग सेक्शन से एक बहुत बेहतरीन चॉइस है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आएंगे ऐसे वरुण सोरांगवी, राइट हैंड बैटिंग मीडियम पेस बॉलर है। इन्होंने यहाँ पर 18 T10 में 113 रन किए, 10 का एवरेज और 3 ही विकेट है 7 ओवर डाल के। बॉलिंग बहुत रेयर करवाते हैं और बैटिंग भी मेरे को उतनी अच्छी लगी नहीं। हालांकि 2022 T20 में 10 मैच में 203 रन, 10 विकेट जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी 10 मैच में सिर्फ 22 ही ओवर डाले, तो कम बॉलिंग मिलती है। अब्दुल अंदर टीम का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आपके लिए मस्ट पिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रिकॉर्ड देखो, 19 T10 में 219 रन, 12 विकेट है 30 ओवर डाल के, और 2022 T20 में भी 12 मैच में 163 रन, 27 का एवरेज, 14 विकेट है 35 ओवर डाल के। मतलब बैटिंग भी करता है साथ के साथ बॉलिंग भी करवाता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा अब्दुल अंदर मेरे हिसाब से। फिर आएंगे ऐसे शिवाजी रॉय, T10 के 2 ही मैच खेले जिसमें 21 रन है, जबकि 2022 T20 में भी 8 मैच में 28 रन, 9 का एवरेज, 1 ही विकेट है, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। फिर आएंगे ऐसे शहीद रेड्डी कुशु कुंतला, राइट हैंड बैटिंग मीडियम पेस बॉलर है। इसकी बात करूँ तो टीम का इंपॉर्टेंट बॉलर है। 19 T10 में 76 रन, 17 विकेट है 29 ओवर डाल के, जबकि 2022 T20 में सिर्फ 7 मैच खेले, लेकिन उसमें 65 रन और 14 विकेट है 22 ओवर डाल के, काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है। फिर आएंगे ऐसे थरुण ईगा, इन्होंने यहाँ पर T10 के 6 मैच में 6 विकेट निकाले, जबकि 2022 T20 में 8 मैच में 10 विकेट है। ये आपको ना स्टार्टिंग में बॉलिंग करके देगा, पहला और तीसरा ओवर डाल सकता है ये। राजेश नागराजा लेफ्ट हैंड बैटिंग ऑफब्रेक बॉलर है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा लेता है। 19 मैच में 168 रन, 18 विकेट, 33 ओवर डाल के, लास्ट सीजन का रिकॉर्ड है। और 2022 T20 का भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, 13 मैच में 453 रन, 41 का एवरेज और 20 विकेट है, और ये ना ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, थोड़ी ध्यान रखना ये बात। संदीप गौड़ा की बात करूँ तो ये यहाँ पर 18 T10 में इसके नाम 67 रन, 9 का एवरेज है, जबकि 2022 T20 में 11 मैच में 163 रन है, काफ़ी नीचे बैटिंग करता है। मोहम्मद इबिदुल्ला की बात करूँ तो T10 के 3 मैच में 1 विकेट है, जबकि T20 के 6 मैच में 6 विकेट है। आकाश चोगले इसको दिया है बैटिंग सेक्शन में, लेकिन इसका मेन काम है बॉलिंग करवाना, राइट आर्म फास्ट बॉलर है ये। T10 में इसके नाम 8 मैच में 5 विकेट्स हैं और T20 में 7 मैच में 12 विकेट है।
अब देखो अभी के लिए मैं किस किस को रखूंगा, अब्दुल स्टनक जाय को रखूंगा, गोपीनाथ मनोहरन को रखूंगा, अब्दुल अंदर को रखूंगा, सईद रेड्डी कुसुकुंतला को आप बिल्कुल पिक कर सकते हो, थरुण ईगा को भी पिक कर सकते हो, लेकिन इन दोनों को मैं अभी नहीं रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ राजेश नागराजा को, और इसके अलावा मैंने आकाश चोगले को बैटिंग सेक्शन से रखा है क्योंकि बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा ऑप्शन अपने पास है नहीं। देखो अभी मैं जो प्लेयर पिक कर रहा हूँ ना वो बस रख रहा हूँ, जब इनका टॉस अपडेट आ जाएगा फिर अपन को बहुत आसानी हो जाएगी। आप देखो बेंच पर जो प्लेयर है उनके भी स्टैट्स देख लो, हर प्लेयर का रिकॉर्ड आपके लिए लाया हूँ, कोई दिक्कत ही मत लो आप। अभिषेक सहानी और का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो राइट हैंड बैटिंग करते हैं, T10 में 4 मैच में 20 रन, 2022 T20 में 5 मैच में 45 रन। आनंद विश्वम 2022 T20 में 2 मैच में 50 रन है और 2021 T20 में 8 मैच में 184 रन है, खेलेगा तो बैटिंग सेक्शन में एक अच्छा डिफरेंशियल पिक बन सकता है। अनंतुर अजय कुमारा T10 में 5 मैच में 19 रन है, जबकि 2022 T20 में 12 मैच में 207 रन, 10 विकेट है, 36 ओवर डाल के। अनुराग अधिराजू 2022 T20 में 7 मैच में 6 विकेट है और 2021 T20 में 8 मैच में 18 विकेट है, तो बॉलिंग करवा सकता है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है ये। फिर आएंगे आज से अरुल रुबेश, इसके नाम T10 में 9 मैच में 4 रन है, जबकि 2022 T20 में 11 मैच में 136 रन, 12 का एवरेज है। यहाँ से बालाजी वेंकट राजा हैं, 2022 T20 में 5 मैच में 3 रन है, जबकि 2021 T20 में 7 मैच में 0 रन, 2 विकेट है। चमिका वेलिहंदा के नाम 2022 T20 में 5 मैच में 1 विकेट है, 2 ओवर डाल के। जी एन खान के नाम T10 के 7 मैच में 76 रन, 12 का एवरेज है। कार्तिक मंगा के नाम अगर आप देखोगे T10 के 4 मैच में 1 ही रन है, जबकि 2022 T20 में 12 मैच में 227 रन, 18 का एवरेज, 1 विकेट है, 4 ओवर डाल के। मोहम्मद सुलेमान के नाम 2022 T20 में 12 मैच में 109 रन, 17 विकेट है, 42 ओवर डाल के, जबकि 2021 T20 में 7 मैच में 35 रन, 2 विकेट है, मतलब 22 में ज़्यादा बॉलिंग है। पवन कुमार कोटा के नाम 2022 T20 में 8 मैच में 14 रन है, जबकि 21 में 8 मैच में 15 रन, 5 का एवरेज है। एम रक्षिता कुमार के नाम यहाँ पर अगर आप देखोगे 2022 T20 में 10 मैच में 88 रन, 12 का एवरेज, 0 विकेट है। और सईदुल्ला अमरखिल के नाम यहाँ पर आप देखो तो 4 T10 में 2 विकेट है, 3 ओवर डाल के, लेकिन आप इसका 2022 T20 का रिकॉर्ड देखो एक बार, 12 मैच 200 रन, 18 का एवरेज और 12 मैच में 27 विकेट है, 44 ओवर डाल के, खेलेगा तो एक ट्रंप पिक आपके लिए बन सकता है ये। संगीत उद्याना की बात करूँ 2022 T20 में 11 मैच में 139 रन, 17 विकेट इसके नाम है, 35 ओवर डाल के। और यहाँ से सनराजा की बात करूँ तो इनके नाम 9 T20 में 8 विकेट है, और सुहास भात के नाम 2022 T20 में 12 मैच में 65 रन, 1 विकेट है, जबकि 21 में 7 मैच 71 रन, 3 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से तिरुमलेश मलेश गोड़ा की नाम बात करूँ तो 2022 T20 में 11 मैच में 60 रन, 1 विकेट है। विष्णु श्रीनिवासन के नाम 2022 T20 में 10 मैच में 3 विकेट है और 2020 T20 में 2 मैच में 0 विकेट है। और यूसुफ ओबेद के नाम 2022 T20 में 6 मैच में 10 विकेट है और 21 में 10 मैच में 9 विकेट है। तो आप देख सकते हो हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड आपके भाई ने आपके लिए निकाला है, 25-27 जो भी प्लेयर है। तो इस चीज़ के यार के लिए एक लाइक तो यार आप बिल्कुल कर दो सारे, उससे मेरा भी मोटिवेशन बनेगा ताकि और मेहनत आपके लिए करूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपन सिर्फ 1800 सब्सक्राइबर दूर से हैं 1 लाख से, तो उम्मीद करता हूँ आज आप यहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दोगे। तो जल्दी से सारे भाई चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब बात करेंगे दूसरी टीम की, तो इनकी तरफ से ओपन करेंगे इंदिका गुनाशेखरा और इमरान मोहम्मद, ज़्यादातर ये दोनों ही ओपन करते हैं। इंदिका गुनाशेखरा 9 T10 में 136 रन, 22 का एवरेज है जो कि अच्छा रिकॉर्ड है, और 2022 T20 में 8 मैच में 213 रन, 35 का एवरेज, 3 विकेट है, 7 ओवर डाल के। बॉलिंग बहुत रेयर करवाता है, मेन काम इसका बैटिंग ही है। इमरान मोहम्मद ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है और इसको ही मैं कैप्टन रखूंगा, ज़्यादातर लोग इसको नहीं रखेंगे लेकिन मैं इस पर रिस्क लूंगा। क्यों? क्योंकि 5 T10 में 71 रन, 6 विकेट है, 7 ओवर डाल के, और 2022 T20 में 7 मैच में 44 रन, 4 विकेट है, 17 ओवर डाल के। अभी के लिए इसको कैप्टन रखूंगा लेकिन आफ्टर टॉस मेरा मूड हुआ या फिर मेरे को जैसी कंडीशन लगेगी उस हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा। चमिला बंदारा की बात करूंगा तो T10 में 19 मैच में 169 रन, 1 विकेट है, 5 ओवर डाल के, जबकि T20 में 8 मैच में 127 रन, 8 विकेट है, 23 ओवर डाल के, ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है। ए बी गाजी जदे की बात करूँ तो 7 T10 में 79 रन, 2 विकेट है, 5 ओवर डाल के, जबकि 2022 T20 में 7 मैच में 79 रन, 5 विकेट है, तो उतनी ज़्यादा बॉलिंग ये भी नहीं करवाता। मंजीत पवार इसको दिया है भाई बैटिंग सेक्शन में, और अगर ये बंदा टॉप में बैटिंग कर गया तो ट्रंप साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो 2022 के अंदर सिर्फ 4 T20 में 128 रन, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। टिरोंडे एल्विस हैं, 6 T10 में 22 रन है, जबकि 2022 T20 में 5 मैच में 66 रन है। सिरोन परेरा 2022 T20 में 7 मैच में 21 रन है।
यहाँ से आएंगे गनिदू अरुमादुरा, ये एक अच्छा बॉलर है, 15 T10 में 42 रन 10 विकेट है और 2022 T20 में भी 6 मैच में 26 रन 11 विकेट है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नॉर्मन स्टनक जाई ये भी एक इम्पोर्टेंट बॉलर है, मीडियम पेस बॉलर है, 12 मैच में 11 विकेट है T10 में और T20 में 1 मैच में 0 विकेट है। दिनेश लोरेंसो हेवा T10 में 6 मैच में 0 विकेट है जबकि T20 2022 में 2 मैच में 2 विकेट है। और दुलीप कोडित्तुवाकू 2 T10 में 2 विकेट है और T20 में 6 मैच में 33 रन है। तो यहाँ से मैं अभी के लिए पिक करूँगा गुणशेखरा, इमरान मोहम्मद, चमिला बंदारा, नीचे से यहाँ पर गनिंदु अरुमदुरा और नॉर्मन स्टनक जाई। बेंच पर जो प्लेयर हैं उनके भी स्टेट्स आप अच्छे से देख लो, कोई के स्टेट्स नहीं छोड़ने अपन को। यहाँ से चथुला रबु कानागे हैं, इन्होंने 2022 के अंदर 3 T20 के मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाला है 1 ओवर डाल के। डेरेक सेटो T10 में 1 मैच में 0 रन जबकि T20 में 2 मैच में 5 रन है। देविन विक्रमारत्ने के नाम 5 T20 में 53 रन है और हिलाल अकेब के नाम 2022 T20 में 5 मैच में 35 रन 5 विकेट है 15 ओवर डाल के। खालिद अकील के नाम 2019 ODD में 3 मैच में 0 विकेट है जबकि 2018 T20 में 1 मैच में 6 रन है। और लुक्शन परेरा के नाम 2022 T20 में 1 मैच में 1 रन है जबकि 21 में T20 में 3 मैच में 14 रन 1 विकेट है। परवीन यहाँ से नटरा मिलारासाव की बात करूँ तो इसके नाम देख सकते हो आप T10 में 4 मैच में 0 विकेट है 3 ओवर डाल के लेकिन T20 2022 में 3 मैच में 4 विकेट है। रविडू अरामदूरा के नाम 2022 में 1 मैच में डिड नॉट बैट है। यहाँ से सशिस्त सिद्धि होलोक के नाम 2022 ODD में 2 मैच में 0 विकेट है 6 ओवर डाल के। सिरोन परेरा के नाम 2022 T20 में, इनका तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। स्टेफन श्रीवर्धना के नाम 2022 T10 में 6 मैच में 1 विकेट है जबकि 21 में 5 मैच में 1 विकेट है। और विन्नी मुरुहेस पिलाई के नाम 2022 T20 में 2 मैच में 5 रन जबकि T10 में 7 मैच में 57 रन है। तो भाइयों एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है इस मैच का कंप्लीट, सारे प्लेयर के रिकॉर्ड आपके भाई ने आपको बताए, तो इस चीज़ के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। अब बात कर लेते हैं डेमो टीम की। देखो ये सिर्फ डेमो टीम है जिसको आपको लगा के रख लेना है, फाइनल टीम में बहुत चेंजेस होने वाले हैं तो फाइनल टीम आपको आफ्टर टेस्ट दूंगा। अभी के लिए मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से गोपीनाथ मनोहरन को रखा है, बैटिंग सेक्शन से इंदिका गुणशेखरा, आकाश चोगले, मंजीत पंवार, दोनों का सिलेक्शन रेट बहुत कम है लेकिन रिस्की प्लेयर को मैं ले रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से अब्दुल अंदर, इमरान मोहम्मद, अब्दुल स्टनकजाई, राजेश नागराजा को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से नॉर्मन स्टनकजाई, चमिला बंदारा और जी अरमदूरा को रखा है। तो ये मेरे 11 प्लेयर अभी के लिए रहेंगे। कैप्टन मेरे यहाँ से इमरान मोहम्मद, वाइस कैप्टन अब्दुल अंदर है। लेकिन देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप ये मैच विन करना चाहते हो और अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलेगा, प्लस बहुत सारी ऐसी लास्ट मूवमेंट अपडेट होती है कि भाई विकेट कीपिंग कौन कर रहा है तो बैटिंग कौन कहाँ पर करेगा, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको टॉप पर मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।